नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं छठ पूजा की। और आज है छठ पूजा का दूसरा दिन और मैं अभी जा रही हूँ खरना का प्रसाद लेने के लिए। तो मैं जा रही हूँ अभी फिलहाल अपने एक भैया भाभी के घर पे जो छठ पूजा करते हैं। तो आज है खरना और हर साल मैं उनके यहाँ जाती हूँ खरना का प्रसाद लेने के लिए। तो इस साल भी एज यूजुअल मैं जा रही हूँ, भाभी ने बुलाया है मुझे। और यहाँ पे छठ घाट भी जो है बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, फुल लाइटिंग हुई है यहाँ पे छठ घाट का। तो आपको उसका भी एक व्यू कराऊंगी, बहुत ही सुंदर तरीके से घाट को सजाया गया है। तो मेरे यहाँ भी छठ होता है लेकिन मेरी माँ इस साल छठ नहीं कर रही हैं, तो इसलिए खैर कोई नहीं। बाकी अभी जो जो होगा आपको दिखाऊंगी। तो कल संध्या अर्घ है और उसके अगले दिन सुबह का अर्घ देना होता है। अभी तो फिलहाल आज खरना है तो आज उसके लिए आपको दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है वहाँ पे और भाभी ने क्या तैयारी की है और किस तरीके से पूजा होता है छठी मैया का। और हम बिहारियों के लिए तो बहुत ही अभिमान का पर्व है, ये मुझे बहुत पसंद है खास तौर पे। तो अभी फिलहाल चलते हैं उनके घर और देखते हैं क्या हो रहा है। नमस्ते आंटी। बेस्ट
तो खरना संपन्न हुआ और सबको देखिए यहाँ सिंदूर लग चुका है और इनसे मेरी अभी अभी पहचान हुई है। तो यहाँ पे चल रहा है देखिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम, सब लोग जो है यहाँ पे खरना का प्रसाद ले रहे हैं छठी मैया का। तो आप सबको हैप्पी खरना, जो भी छठ व्रती है सबको हैप्पी छठ पूजा, अच्छे से मनाइए इस छठ पर्व को अपने फैमिली के साथ। अभी और देखिए क्या क्या होने वाला है, वो भी बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये रहा खरना का प्रसाद। अभी अभी खाता है, खाना खाता है अभी। तो आप सभी को हम सब की तरफ से जय छठी मैया, जोर से जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। हैप्पी खरना, परिवार के साथ अच्छे से ये त्योहार मनाइए आप लोग। मिलकर बोलो सब बोलेंगे जय छठी मैया। तो देखिए छठ घाट कितना अच्छे से सजा हुआ है। ये है बिल्कुल सेंटर का सर्कल और बैक साइड देखिए। तो अभी मैं घाट के बाहर हूँ, अंदर से भी आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कितना सुंदर लाइटिंग वगैरह किया गया है यहाँ पे देखिए। तो देखिए घाट बिल्कुल तैयार है और कल जो है और अच्छे से नीट एंड क्लीन इसको साफ करके यहाँ पे फ्रेश पानी जो है भर दिया जाएगा जितनी भी छठ व्रती महिलाएं हैं यहाँ पे। और घाट जो है वो अच्छे से पेंट हो गया है और जितने भी लोग यहाँ छठ पूजा करने वाले हैं उनकी अलग अलग बेदी जो लाइन खींची हुई दिख रही है वो खींचा हुआ है जितने लोग यहाँ पूजा करेंगे। और देखिए कितना सुंदर इस तरह से झालर लगाया गया है और पूरी व्यवस्था की गई है कि यहाँ चेंजिंग रूम है बनाए गए हैं यहाँ पे और पूरी लाइटिंग की हुई है इस तरफ में, पूरा घाट को अच्छे से सजा दिया गया है। और इस तरफ कुछ अनाउंसमेंट होगा और प्रसाद वितरण का जो भी आयोजन है वो इधर ही होगा।
तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कल और भी तरीके से पूरी तरह से तैयार की जाएंगी। तो ये आपको दिखाना था अपना घाट कि कितना सुंदर सजाया गया है। तो वैसे तो बिहार का ये सबसे फेमस त्यौहार है, लेकिन अब बिहार क्या, अमेरिका क्या, और मतलब पूरे विश्व में अब हर जगह जहाँ भी हम इंडियंस, हम बिहारी बसे हुए हैं, अपनी अपनी परंपरा को जो है हमने इसको बनाए रखा है, अपना पर्व जो है बनाए रखा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये छठ पर्व, एक यूनिटी है इसमें, जो कहते हैं कि जो दौरा उठाता है उसको भी सहयोग देने कई लोग आते हैं, मतलब दौरा उठाने के लिए कि एक बार वो भी चाहते हैं कि हम भी दौरा उठाएं, और इस तरह से नंगे पांव घाट पे जाना और डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की आराधना करना, पूरा प्रकृति को लेकर ही ये छठ पर्व मनाया जाता है। वैसे ज़्यादा आपको मैं क्या ही बताऊंगी, आप लोगों को छठ पर्व का क्यों मनाते हैं, क्या मान्यता है इसकी, आपको तो पता ही होगा, बस मैं थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ कि पूरा नेचर को ही ये हम लोग मतलब ये करते हैं, इसको पूजते हैं, क्योंकि सूरज के वजह से ही, सूर्य के वजह से ही जीवन है सभी को, प्रकृति जो है हम लोगों को इस पालन पोषण करती है। तो यहाँ से निकल रही हूँ और एक और भाभी हैं जिन्होंने बुलाया है, तो उनके यहाँ अब जाऊंगी, वहाँ भी कुछ लोग हम लोग मिलेंगे, सब लोग प्रसाद लेने के लिए। तो घाट तो आपको दिखा दिया कि कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है अपना घाट, सच पूछिए तो बहुत दिल से लगाव है, बहुत जुड़ी हुई हूँ मैं छठ पूजा से, क्योंकि बचपन से मेरे घर में भी होता है, तो मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, बचपन से ही। तो यहाँ होता है बोल के इतना फील नहीं होता, नहीं तो अगर नहीं होता, पहले तो बैंगलोर में काफ़ी महसूस होता था, लेकिन जब से इस सोसाइटी में आई हूँ तो सारे फेस्टिवल इतने अच्छे से मनाए जाते हैं कि इतना फील बिल्कुल भी नहीं होता है, बड़े अच्छे से बहुत ही रंगो उमंग के साथ मनाया जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। मैं आ गई सेकंड भाभी के घर पे, यहाँ भी हो रहा है छठ, और यहाँ भी आई हूँ मैं खरना का प्रसाद लेने, और भाभी की माता जी यहाँ बैठी हुई है, तो चाची जी ही छठ कर रही है, और बाकी मेंबर को भी दिखा देती हूँ जो लोग यहाँ पहले मेरे से पहले पहुंच चुके हैं। तो देखिए सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो एक बार भाभी इधर आइए। हाँ जरूर जरूर आइए, इधर आइए, और सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज, सब लोग मिल के बोलिए जय छठी मैया, 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 जय छठी मैया। बापरे कितनी बड़ी हो गई, वो भी दोनों लेडी में है, कौन सा मुझसे नहीं है वो जेल खुला है।